क्वेश्चन नंबर 84, द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ 111 ट्राइक्लोरोइथेन विद सिल्वर पाउडर। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है जेम ट्राई हैलोजो कंपाउंड होते हैं, अर्थात एक ही कार्बन पर अगर तीन हैलोजन अगर अवेलेबल होते हैं, उनकी अगर सिल्वर पाउडर के साथ में जब रिएक्शन करवाई जाती है, सिल्वर पाउडर के साथ में जब रिएक्शन करवाई जाती है, 6 मोल ऑफ सिल्वर AgX का मॉलिक्यूल बाहर निकाल के ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो कंपाउंड दे रखा है 111 ट्राइक्लोरोइथेन, अगर ये सिल्वर पाउडर के साथ में रिएक्शन करेगा तो इस रिएक्शन के दौरान AgCl के मॉलिक्यूल इलिमिनेट होकर के ब्यूट टू आइन और 2-ब्यूटाइन प्रोडक्ट बनाएंगे। ब्यूट टू आइन प्रोडक्ट जो है वो यहां पर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसलिए 84 का जो आंसर है, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, इसमें बोला जा रहा है कि सोडियम फिनोक्साइड को हीट किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, रिएक्शन हमें दिया हुआ है ONA+CO2 और टेम्परेचर भी हमें मेंशन किया गया है, रिएक्शन कंडीशन प्रेशर भी दिया हुआ है और एक कंपाउंड बनता है दैट्स बी, फिर H+ और AC2O की प्रेजेंस में C बनाया गया है। AC2O इज बेसिकली एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, और अगर हम इसे थोड़ा ओपन करके लिखें तो इट लुक्स लाइक दिस। ओके, और क्वेश्चन में पूछा गया मेजर प्रोडक्ट सी वुड बी, तो हमें पता करना है कि सी क्या है, ये हमारा आंसर है। चलिए ध्यान देते हैं, जो फर्स्ट हाफ है रिएक्शन का जिसमें बी बन रहा है, इट्स एक्चुअली कार्बोक्साइलेशन ऑफ सोडियम फिनोक्साइड और इसे हम बोलते हैं कोलबे सिमिट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कार्बोक्साइलेशन हो जाएगा, CO2 आर्थो पर आपको जो चीज़ प्रोवाइड करेगा वो होगा आपका OCO, इधर H आएगा और ये आपका आएगा CONA। ये हमारा B है, इट्स B फॉर्म्ड बाय कार्बोक्साइलेशन ऑफ सोडियम फिनोक्साइड। इसके बाद क्या किया गया है, प्रोटोनेट किया गया है तो H+ हम डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा COOH और ये हमारा हो जाएगा सैलसिलिक एसिड। उसके बाद एसाइलेशन किया गया है, सेकेंड स्टेप इज एसाइलेशन ऑफ फिनॉल, बेटर टू से सैलसिलिक एसिड सॉल्ट और यहाँ पर हमें जो सी मिलेगा वो एसाइलेटेड फॉर्म में मिलेगा, ये होगा आपका OCO CH3 और यहाँ पर होगा आपका COOH। ये है हमारा सी, ये एक्चुअली एस्प्रिन नाम होता है इसका, एस्प्रिन, इट्स ए पेन किलर फॉर्म ऑफ एनाल्जेसिक। सो आवर आंसर इज एस्प्रिन, अगर हम ऑप्शंस में जाएं इट इज वी। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, बोला जा रहा है ऑन हीटिंग एन एलिफैटिक प्राइमरी अमीन, तो लेट अस कंसीडर कि RNH2 हमारा जो है वो एलिफैटिक प्राइमरी अमीन है और इसे हमने हीट किया है विद क्लोरोफॉर्म हमें दिया हुआ है CHCl3 विद इथेनॉलिक KOH दिया गया है और हीट किया गया है, तो डेल्टा का साइन भी ले लेते हैं। और पूछा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यहाँ पर बनेगा वो क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, एक्चुअली इट्स कार्बिल एमीन रिएक्शन, इट्स यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड RNC। सो दिस इज
द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन एंड हेंस आंसर इज आर एन सी इज आर इज एल्काइल एंड एन सी इज आइसोसाइनाइट एंड आंसर इज टू.